मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, मैं झारखंड धनबाद से हूँ और मुझे फार्मिंग का बड़ा शौक़ है, इसलिए यहाँ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैंने टाटा वेरियन का नॉटेड फेंस लगाया हूँ। इससे पहले हमने स्पायरल का लगाया था क्योंकि अदर कंपनी के था जिसमें कि रस्ट भी लग गया, तो उसके बाद हमने स्पायरल के लिए ही टाटा कंपनी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा प्रोडक्ट है इसको देखिए, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है इनर आउटर सेम है और इसका डिज़ाइन जो है वो नीचे छोटा जाली है जिससे कि कोई बत्तख मुर्गी ये सब नहीं घुस पाता है और ऊपर बड़ा जाली है इसलिए बड़ा जानवर नहीं घुस पाता है और इस नॉर्मल कटर से अगर आप हम काटना चाहेंगे तो कटता नहीं है, इसके लिए स्पेशल बड़ा कटर आता है जिससे कि ये कट सकता है। प्लस इसमें एडवांटेज क्या है कि आप अगर पिलर के बीच में इसे जाम कर देंगे तो 20 साल के लिए 100% है कि हिलने वाला नहीं है। दूसरा एडवांटेज है कि जो स्पायरल वाला था वो हर 10 फीट पे हमें पिलर देना पड़ता था, ये क्या है 20 फीट पे देना पड़ता है जिससे कि एक पिलर का बचत होता है, लेबर का बचत हो रहा है। प्लस इसकी लंबाई जो है 100 फीट है तो 100 फीट उसमें बाकी स्पायरल जो है वो 50 फीट होती है और वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसका वज़न कम होता है और 100 फीट लंबी होती है, इसलिए 10 पिलर के जगह 5 पिलर की ऐसे बचत हो जाती है, तो पिलर वाइज हो गया, लेबर वाइज हो गया, तो इससे बहुत सारा बचत हो जाता है। और प्रॉब्लम जब मैंने विवेक जी से धनबाद में जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया, ये देख लीजिए ये कैसा है, इसका यूज़ करके देखिए एक बार, तो हमने उसे यूज़ करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, जितना भी बाकी जाली है बीच में मेरा जो स्पायरल वाला था वो चोरों ने खोल, एक जगह खुलने के बाद पूरा खुल जाता है, इसमें खुलने का सवाल ही नहीं है, तो हर बार चोर को काटना ही पड़ेगा, बिना काटे कोई नहीं घुस सकता है।